हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी कुमार यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हैं टेक्निकल हैबिट। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को वीटा एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। तो ये है वीटा एप्लीकेशन, जिसका आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। और इस एप्लीकेशन का इंपॉर्टेंट टूल्स और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताऊँगा, जिससे कि आप वीडियो को एडिट कर पाएंगे और एडिट करने के बाद आप इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर अपलोड कर पाएंगे। तो इस एप्लीकेशन को मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा और ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको ऊपर में दिखाई दे रहा होगा न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जिस वीडियो को एडिट करना है उस वीडियो को आप ले लीजिएगा और उसके बाद से आगे पे क्लिक कर दीजिएगा। ये वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद से यहाँ पर आपका खुल के आ जाएगा। एरो वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप खुल के आ जाएगा आपका वीडियो। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे में आप देखिए, यहाँ पे नीचे में आपको रेशियो दिखाई दे रहा होगा। रेशियो पे आप क्लिक करिएगा। यहाँ पे आप रेशियो पे क्लिक करिए। रेशियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना साइज़ आप ले सकते हैं। यहाँ पर 9:16 है और 16:9 है। ये यूट्यूब के लिए है, तो यूट्यूब के लिए हमारा साइज हो गया। और ये इंस्टाग्राम के लिए, मतलब कि फुल स्क्रीन में इंस्टाग्राम के लिए शायद से यही लगता है। तो ये हो गया आपका इंस्टाग्राम के लिए। तो ये मैं यूट्यूब वाला साइज लेता हूँ और उसके बाद वो टिक पे क्लिक कर दूंगा, ये मेरा साइज होकर जाएगा। अब दोस्तों मेरे को क्या करना है कि इस वीडियो को कट करना है। ये 11 मिनट का वीडियो है, मैं आपको दिखाने के लिए इसको मैं कट करता हूँ। तो यहाँ पे एडिट है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्प्लाइट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो दो भागों में बट जाएगा। और आपको जहाँ से वीडियो को नहीं चाहिए वहाँ पर आप दो भागों में बांट दीजिएगा। उसके बाद से इस साइड को मेरे को डिलीट करना है, तो इस साइड का मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा अपने वीडियो पर। और वीडियो पर क्लिक करने के बाद डिलीट पर जैसे ही क्लिक कर दूँगा ये वीडियो वहाँ पर उतना डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों ये वीडियो हो गया है छोटा। अब इसमें आपको क्या करना है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ फिर से स्प्लाइट आ गया, जिससे आप कट कर सकते हैं। यहाँ पे स्पीड है, स्पीड से अपने वीडियो को स्लो और फास्ट स्लो कर सकते हैं। ये स्लो फास्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम से अपने वीडियो को धीरा और तेज़, आवाज़ को धीरा और तेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इतना हो गया, तो मैं इसके आवाज़ को बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद ये होगा कि मेरा ही आवाज़ आपको सिर्फ सुनाई देगा, इस वीडियो में जो है आवाज़ वो आपको सुनाई नहीं देगा। इतना हो गया। इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ पे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ब्राइटनेस के लिए आ रहा है ऑप्शन। इस अपने वीडियो को ब्राइटनेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इतना हो गया। कॉन्ट्रास्ट, ये सब छोटा मोटा सेटिंग्स है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर रोटेट है, यहाँ पर रोटेट पर अगर मान लीजिए आपका वीडियो को रोटेट करना है तो यहाँ से आप अपने वीडियो को आप रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री में। और यहाँ पर 50 डिग्री में भी है, 50 और 90 डिग्री में आपको रोटेट। और यहाँ पर ओरिजिनल साइज है आपका, ओरिजिनल मतलब आप जैसे चाहें वैसे ओरिजिनल में जैसे रहता है वैसे हो जाएगा। ये दोस्तों देख सकते हैं मिरर है और ये है फ्लिप। बस इतना क्लिक करने के बाद आपका ये आपको रोटेट के बारे में ही बता दिया। अब दोस्तों क्या करना है, इसको बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्टाइल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टाइल में आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो ये छोटा मोटा सेटिंग्स है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, छोटा मोटा टूल चाहिए। उसके बाद से दोस्तों अब मैं और बताता हूँ। यहाँ पर आपको फिल्टर मिलेगा, जिससे कि आप इसका मतलब ये जो आपका वीडियो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत फिल्टर इसमें आ जाएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएगा, ये वीडियो थोड़ा अच्छा दिखेगा, अट्रैक्टिव दिखेगा। और यहाँ पे दोस्तों स्पीड है, स्पीड के बारे में मैं आपको बता ही दिया हूँ, स्पीड के बारे में बता ही दिया हूँ। ये स्केल है, स्केल से आप वीडियो को जूम और जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से अपने वीडियो को अपने हाथों से अपने उंगलियों से जूम और जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप कर सकते हैं नीचे से, और इसको कट कर दें। अब मैं दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आपको ये जूम आउट जूम इन कर लेते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करना है तो ये आपका सेव होगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सेव होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर है, तो ऑर्डर पर क्या होगा, सेलेक्ट टू आर मोर वीडियो टू चेंज द ऑर्डर। यहाँ पर दो वीडियो आप लगा सकते हैं, तो इसको छोड़िए, ये सब छोटा मोटा सेटिंग्स है, अभी आपको इतने ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिएगा, इस पर क्लिक करिए। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे को आगे पे एक और वीडियो जोड़ना है, तो अब दोस्तों क्या करना है, इस ऑर्डर पे ही क्लिक करना है और या फिर यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से वीडियो आ जाएगा, वीडियो को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं फिर से कोई वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा मान लीजिए एक वीडियो आ गया और इसको मैं सिलेक्ट कर दिया, तो ये भी हो गया। अब दोस्तों वीडियो जोड़ने के बारे में बता दिया, वीडियो को कट करने के बारे में बता दिया, और ये सब आप फिर से डिलीट भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे टेक्स्ट के बारे में बताता हूँ आपको, टेक्स्ट कैसे होगा। यहाँ पे साउंड है, साउंड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ से आप ले सकते हैं म्यूजिक से, और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं अपने आवाज़ से, वॉइस ओवर भी यहीं पे कर सकते हैं। और दोस्तों किसी वीडियो से भी अपना म्यूजिक ले सकते हैं। तो ये हो गया। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताने वाला था, टेक्स्ट। हाँ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट है, अगर आपको कुछ भी लिखना है तो यहाँ पे आप टेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। टेक्स्ट में आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिलेगा जो कि इंटरनेट की वजह से नहीं मिल रहा है। तो मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन भी अभी चालू करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है मेरा
थोड़ा सा मतलब कि अच्छा बनेगा और इंटरनेट कनेक्शन चालू करूँगा तो मेरा फ़ोन जो है थोड़ा लैग करेगा। तो आप इंटरनेट कनेक्शन को ऑन करिएगा और यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करिएगा तो आपको बहुत सारे सेप दिखाई देंगे। सेप पे क्लिक करके आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि सब्सक्राइब नाउ। यहाँ पर मेरा काम था आपको सिखाना और आपका काम था सीखना। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको जितना इंपॉर्टेंट टूल्स है आपको बता दिया हूँ, यहाँ पे आवाज़ के बारे में बता ही दिया हूँ, यहाँ पे म्यूजिक के बारे में बता ही दिया, यहाँ पे आप ऐड म्यूजिक कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ऐड म्यूजिक कर सकते हैं, वीडियो कट कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको सिखाई दिया हूँ, ऐड कर सकते हैं, साउंड और जोड़ सकते हैं, साउंड को बंद कर सकते हैं, इतना कुछ मैं आपको सिखा दिया हूँ। वीडियो का लेयर भी यहाँ से ले सकते हैं आप, यहाँ से आपको स्टॉक वीडियो भी मिल जाएगा, यहाँ से अपने YouTube पे मतलब जो वीडियो बना रहे हैं उसमें आप स्टॉक वीडियो भी लगा सकते हैं, जिससे कि आप डाउनलोड करके स्टॉक वीडियो लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। और दोस्तों बस इतना ही था इस बीटा एप्लीकेशन में, जितना इंपॉर्टेंट टूल्स है उतना मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे दोस्तों फेवरेट में दे सकते हैं, फेवरेट में आपको स्टिकर, टेक्स्ट, म्यूजिक, फिल्टर और स्टॉक मिल जाएगा, यही सब इसमें मिलेगा। दोस्तों बस इतना ही आपको करना है, जितना इसमें था इंपॉर्टेंट उतना मैं आपको बता दिया हूँ। तो दोस्तों सब कुछ मैं आपको बता ही दिया हूँ, सब कुछ बताने के बाद आपको ऊपर में एक्सपोर्ट मिलेगा, वीडियो को कैसे सेव करते हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक्सपोर्ट पे आपको क्लिक करिएगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना साइज ले लीजिएगा, यहाँ पे आपको जिस रेजुलेशन में आपको सेव करना है 720 में या फिर 480 में, 320 में या फिर 1080 में, तो यहाँ पर 1080 पे क्लिक करके आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका ये जो वीडियो है सेव होकर आपके गैलरी में आ जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।